सी लैंग्वेज के आज के लेक्चर में आपके साथ में फंक्शन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करने वाला हूं। आगे की क्लास में जब मैं आपको फंक्शन पढ़ाऊंगा तो एडवांस लेवल तक जाऊंगा फंक्शन पर, लेकिन आज मैं आपके साथ में सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस करूंगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, फंक्शन का क्या यूज है, वो सारी बातें मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं एक बार आपको इन शॉर्ट रिवाइज करा देता हूं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपके साथ में टाइप कन्वर्जन डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है, टाइप कन्वर्जन कितने तरीके का होता है, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि टाइप कन्वर्जन क्यों इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ में प्रीवियस लेक्चर में बहुत डीपली डिस्कस की थी। अगर कोई इस लेक्चर को आज से देख रहा है यानी बीच से देख रहा है तो मैं जरूर कहूंगा कि टाइप कन्वर्जन की क्लास जरूर देख लें, क्योंकि टाइप कन्वर्जन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब भी हमको डिजायर्ड आउटपुट चाहिए है, करेक्ट आउटपुट चाहिए है, तो हमको टाइप कन्वर्जन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि टाइप कन्वर्जन दो तरीके से होता है। पहला, एक तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और दूसरा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। तो मैंने आपको बताया था कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कंपाइलर के द्वारा होता है जो ऑटोमेटिकली कर देता है, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी बात, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन क्या है। तो एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यूजर डिफाइंड है, क्योंकि इसको यूजर करता है। जब हमको करेक्ट आउटपुट चाहिए या डिजायर्ड आउटपुट चाहिए तो हमको उसी टाइप का कन्वर्जन करना पड़ेगा जिस टाइप में हम चाहते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमको फ्लोट टाइप की वैल्यू, या हमने मान लीजिए कोई एरिया निकाला, हमने मान लीजिए कोई सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो होता क्या है कि हमको पॉइंट के नंबर्स नहीं मिल पाएंगे, हमको वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा जो एग्जैक्टली आना चाहिए, राइट। हमने इंटीजर टाइप की वैल्यूज ली है, भले ही उनका कन्वर्जन फ्लोट में आ रहा हो, लेकिन अगर हमने हमने जो है अगर टाइप कन्वर्ट नहीं किया तो हमको वो डिजायर्ड आउटपुट नहीं मिल पाएगा। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपके साथ में बहुत डीपली डिस्कस किया है। किसी को अगर इसमें दिक्कत हो या कोई आज से मेरी क्लास देख रहा है तो मैं जरूर कहूंगा कि मेरी एक बार क्लास को जरूर देख लें, तो आपके जो भी डाउट्स होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। चलिए, तो आज हम बात करेंगे, जो हम लेक्चर आपके लिए लेकर के आए हैं वो आए हैं फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो फंक्शन है क्या। अब इन सी प्रोग्रामिंग अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, राइट। इन सी प्रोग्रामिंग अ फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। मतलब एक फंक्शन होगा, फंक्शन उसको हम कहेंगे जिसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे होंगे और उसमें कोई एक स्पेसिफिक टास्क को हम परफॉर्म कर रहे होंगे, राइट। सो लेट्स से यू आर राइटिंग अ सी प्रोग्राम एंड यू नीड टू परफॉर्म अ सेम टास्क इन दैट प्रोग्राम मोर देन वंस। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब कोई सी प्रोग्रामिंग हम लिख रहे हैं, मान लीजिएगा कि आपको कोई एक टास्क बार बार परफॉर्म करना है तो आपको उसको एक से ज्यादा बार लिखना पड़ रहा है, लेकिन वहीं अगर हम उसको एक ब्लॉक में बना दें, उसको एक फंक्शन में बना देते हैं, तो हमको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती है, राइट। जैसे मुझे एरिया नाम के फंक्शन की बार बार नीड पड़ रही है, ठीक है। मान लीजिएगा एरिया, मान लो मुझे कैलकुलेट करना है, सपोज दैट कि मुझे कोई एक एरिया कैलकुलेट करना है, राइट। क्या करना है मुझे, एरिया कैलकुलेट करना है। तो अब एरिया मुझे कैलकुलेट करना पड़ रहा है, मुझे मान लो बार बार उसका फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है, तो मैं उसका एक ब्लॉक बना दूं। जब मैं उसका एक ब्लॉक बना दूंगा या एक फंक्शन बना दूंगा और उसके अंदर कुछ कोड कर दूंगा, ठीक है, तो अब मैं जब भी अपने प्रोग्राम में एरिया नाम के फंक्शन को यूज करूंगा तो वो ऑटोमेटिकली हमको कह सकते हैं इनबिल्ट हो जाएगा, यानी हम ये कह सकते हैं कि हमको बार बार कोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा फंक्शन को, अभी मैं आपको जस्ट एक बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि फंक्शन क्या है, अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स, जहां पर हम कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करते हैं, हमको बार बार कोड को लिखना नहीं पड़ता है। अगर मान लीजिएगा बहुत बड़ा प्रोग्राम हम बना रहे हैं तो वहां पर हम लगातार कोड नहीं कर सकते, उसको हम अच्छा नहीं मानते, क्योंकि आप ढूंढ ही नहीं पाएंगे कि आपकी कहां कोई एरर हुई है। अगर वही चीज आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स यानी आप फंक्शंस के अंदर बनाते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच को आप फॉलो करते हैं, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका वही होता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने का, किसी भी हम प्रोजेक्ट को बनाने का, ठीक है, तो वो सबसे बेहतर तरीका है। और सी वैसे भी मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच है जो फंक्शन के ऊपर ही बेस्ड है,
क्योंकि सी में जो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम लिखा जाता है वो मेन फंक्शन के द्वारा ही लिखा जाता है। तो मेन भी एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है जिसके द्वारा हमारा कोड एग्जीक्यूट होता है, जिसके द्वारा पूरा स्टेटमेंट जो हमारा लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है। सो हम लोग ये सब की बात करेंगे जब हम फंक्शन चैप्टर में आपके साथ में डिस्कस करेंगे। बहुत सारी बातें मैं आपके साथ में वहां पर डिस्कस करूंगा, बट अभी हमको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जाननी है फंक्शन के बारे में। तो फंक्शन क्या है? ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यानी कि यहां पर हम सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि फंक्शन का नाम, ठीक है, फंक्शन का नेम हम लोग देते हैं, इसके बाद में पैरेंथेसिस देते हैं, कर्ली ब्रेसेस देते हैं, और यहां पर हम कुछ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है, जो कि एग्जीक्यूट करेंगे। अब इसके बाद बात आती है कि टाइप्स ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन मतलब हुआ कि यहां पर दो तरह के फंक्शन होते हैं। नंबर एक, देखिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में नंबर एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। सो हम लोग आज जो बात करेंगे वो करेंगे प्री डिफाइंड लाइब्रेरी फंक्शन की, ठीक है। ये क्या होते हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन हम लोग जब फंक्शन की क्लास पढ़ेंगे उसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, राइट। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि प्री डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं या प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस क्या होते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या है कि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर आल्सो नोन एज बिल्ट इन फंक्शंस। इनको क्या बोलते हैं? जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? बिल्ट इन फंक्शंस। फंक्शंस सच एज पुट एस, गेट एस, प्रिंट एप, स्कैन एप, एक्सेट्रा आर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। हमने अभी अभी प्रोग्रामिंग में प्रिंट एप, स्कैन एप को यूज किया था, है ना। प्रिंट एप स्टेटमेंट तो मैं आपके साथ में बार बार यूज कर रहा हूं, करता आ रहा हूं। तो ये क्या है? स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस है, राइट। या हम इनको बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शन, जो पहले से बना के रखे गए हैं। सो इन्हीं को हम बोलते हैं प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, ओके। So these functions are already defined in header files, right? इन फंक्शन को कहां पर डिफाइन किया गया है? हेडर फाइल्स में। सो फाइल्स विद डॉट एच एक्सटेंशन आर कॉल्ड हेडर फाइल। अब हेडर फाइल किसको बोलते हैं? जिसमें डॉट एच एक्सटेंशन है, जिसमें कुछ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, राइट, उसको हम बोलते हैं हेडर फाइल्स। और जो हम प्रिंट एप स्कैनर के लिए लगाते हैं वो लगाते हैं stdio.h। सो वी जस्ट कॉल देम व्हेनेवर There is a need to use them. तो हम इनको क्या करते हैं? कॉल करते हैं जब भी हमको अपने प्रोग्राम में इनकी नीड होती है, राइट। सो ये है प्री डिफाइंड लाइब्रेरी, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, जिनको हम बोलते हैं, जो हम बोल रहे हैं कि भाई प्रिंट एफ क्या होता है, ठीक है, प्रिंट एफ क्या है या स्कैन एफ क्या है। तो ये जो है वो क्या है? सारे फंक्शन है, या पुट एस है, या ना, या हम कह सकते हैं गेट सी एच है, ठीक है, या हम कहें गेट कैर कहें। तो ऐसे बहुत सारे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस हैं जिनका हम यूज करते हैं, राइट। सो जितने भी फंक्शंस हैं उनको हम कहते हैं प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस। अब इनमें दो तरह के भी आते हैं, तो मैं पूरा डिस्क्रिप्शन अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आ जाएगी। अब देखिए प्री डिफाइंड में दो तरह की बातें हैं। नंबर एक ये बात कि देखिए यहां पर प्री डिफाइन में नंबर एक बात, एक तो फॉर्मेटेड और दूसरा अनफॉर्मेटेड। अब फॉर्मेटेड क्या है और अनफॉर्मेटेड क्या है? तो फॉर्मेटेड को जो अभी हम सबसे ज्यादा यूज करते आ रहे हैं, देखिए फॉर्मेटेड में हमने अभी इनपुट फंक्शन, एक तो स्कैनर फंक्शन है, और आउटपुट फंक्शन यानी कि प्रिंट एफ फंक्शन। तो यही दो फंक्शन है फॉर्मेटेड। और अनफॉर्मेटेड में आप देखेंगे कई सारे इनपुट फंक्शन हैं, है ना, जैसे कि गेट सी एच हुआ, गेट सी एच ई हुआ, गेट कैर हुआ, गेट एस हुआ। ये हैं इनपुट फंक्शन अनफॉर्मेटेड के। और आउटपुट में पुट सी एच हुआ, पुट कैर फंक्शन हुआ, या पुट एस फंक्शन हुआ। तो इनको हम अभी आपके साथ में ज्यादा डिस्क्राइब नहीं करेंगे, अनफॉर्मेटेड, है ना, इनको हम ज्यादा आपके साथ में डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट आपको अभी हम इसका बेसिक बताएंगे, जब हम आपके साथ में फंक्शन चैप्टर डिस्कस करेंगे तब बताएंगे, है ना। और ये कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो स्ट्रिंग्स में भी यूज किए जाते हैं, तो इनकी हम स्ट्रिंग्स के साथ में जब आपसे बात करेंगे तब आपको हम इनका यूज करके बताएंगे। आज हम जस्ट इनके बेसिक्स की बात ही कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शंस हमको बेसिक्स में जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। और हमारा जो बेसिक मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, बेसिक प्रोग्रामिंग अप्रोच है, उसका ये अभी लास्ट लेक्चर होगा, राइट। इसके बाद में हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच पर आगे बढ़ेंगे, क्लियर। चलिए अब हम
एक एक फंक्शन को आपके साथ में डिस्क्राइब करेंगे, क्या है इनपुट, क्या है आउटपुट, राइट। चलिए सबसे पहले द फंक्शन फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन क्या है, देखिए द फंक्शन प्रिंटएफ एंड स्कैनएफ फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ फॉर्मेटेड कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। इनको हम क्या बोलते हैं, कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शंस। सो दीज फंक्शंस अलाउज अप टू सप्लाई द इनपुट इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट एंड लेट अस ऑब्टेन द आउटपुट, है ना, द आउटपुट इज अ स्पेसिफाइड फॉर्म। ठीक है ना, हम एक फॉर्मेटेड तरीके से इनपुट देते हैं और एक हमको स्पेसिफाइड तरीके से आउटपुट हमको मिलता है। जैसे हमने लिखा प्रिंटएफ में एंटर द नेम, या हमने कोई भी मैसेज लिखा हेलो वर्ल्ड, है ना, कोई भी एक मैसेज लिखा, तो हमने जैसा लिखा है वहां पर, जिस फॉर्मेट में लिखा है उसी फॉर्मेट में हमको वहां पर दिखाई देने लग जाता है। अब मान लीजिएगा कोई वैल्यू आपको स्कैनर के थ्रू, आपको यूजर चाहता है कि मैं एट द टाइम ऑफ, जब कंपाइलर हमसे पूछेगा कि भाई आप कोई वैल्यू एंटर करिए, हमने एक मैसेज लिखा दिया, तो हमने जो वैल्यू एंटर की वो कीबोर्ड से स्कैन होके एक फॉर्मेटेड के तरीके से गई, राइट। सो अभी हम एक एक चीज आपके साथ में डिस्कस करेंगे। पहले तो हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे प्रिंटएफ क्या है। तो देखिए प्रिंटएफ फंक्शन क्या है। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रिंटएफ हम लोगों ने खूब यूज किया है, राइट, लेकिन हमें उसके बारे में भी ज्यादा पता नहीं है, पर आज मैं आपके साथ में वो चीज डिस्कस करूंगा। देखिए वन ऑफ द कॉमन टास्क इन एवरी प्रोग्राम इज द प्रिंटिंग ऑफ आउटपुट। बिल्कुल सही बात है, सबसे कॉमन टास्क है हर प्रोग्राम में कि हम आउटपुट को प्रिंट करा के देखते हैं। सो वी यूज द आउटपुट टू रिक्वेस्ट इनपुट फ्रॉम अ यूजर। बिल्कुल सही बात है, वी यूज द आउटपुट, है ना, टू रिक्वेस्ट इनपुट फ्रॉम यूजर एंड लेटर डिस्प्ले। हम यूजर से इनपुट कराने की रिक्वेस्ट भी करते हैं और बाद में वो चीज डिस्प्ले कर देते हैं, ठीक है। सो द स्टेटस या रिजल्ट या कंप्यूटेशन एक्सेट्रा, इस तरीके की चीजें हम वहां पर क्या करवाते हैं, डिस्प्ले करवाते हैं। सो इन सी प्रोग्रामिंग देयर आर सेवरल फंक्शंस फॉर प्रिंटिंग फॉर्मेटेड आउटपुट। सी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो आउटपुट को प्रिंट करते हैं। सो हेयर वी डिस्कस द प्रिंटर फंक्शन विच राइट्स आउटपुट टू द कंप्यूटर मॉनिटर, ठीक है। हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा प्रिंटर फंक्शन यूज कर रहे हैं, जो कि हम मॉनिटर पर कोई आउटपुट शो कराने के लिए यूज करते हैं। सो टू यूज द प्रिंटर फंक्शन वी मस्ट इंक्लूड द STDIO लाइब्रेरी इन द सोर्स कोड। हमको क्या करना पड़ता है, अगर प्रिंटर फंक्शन को यूज करना है तो हमको कौन सा हेडर फाइल या हमको कौन सी लाइब्रेरी यूज करनी होती है, तो हमको लिखना होता है हैश इंक्लूड STDIO.h, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है, इसलिए इसका नाम जो है STDIO.h, राइट। सो टू जस्ट प्लेस द फॉलोइंग कोड एट द बिगिनिंग ऑफ योर प्रोग्राम। जब भी आपको ये करना होता है तो शुरुआत में ही हम उसको इंक्लूड करा देते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करेंगे नेक्स्ट क्या है प्रिंटएफ का, हम सिंटेक्स समझ लेते हैं। देखिए सिंटेक्स में देखिएगा, हम आपको बताएंगे कि प्रिंटएफ लिखते हैं, ये मैंने प्रिंटएफ लिखा, इसके बाद में डबल कोट्स आप देखते होंगे तो उसमें हम क्या लिखते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी कोई मैसेज हमको शो कराना होता है, देन इसके बाद में आर्ग्यूमेंट लिस्ट, राइट। अब यहां पर दो बातें, पहली बात तो फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग कैन बी परसेंट डी, यानी परसेंट डी इंटीजर के लिए, परसेंट सी कैरेक्टर के लिए, परसेंट एस स्ट्रिंग के लिए, परसेंट एफ फ्लोट के लिए। तो ऐसे हमने आपको जब हमने आपसे इंटीजर डेटा टाइप डिक्लेयर किए थे तो मैंने आपको बताया था कि इंटीजर के लिए आपको लगाना होता है परसेंट डी, ठीक है, फ्लोट के लिए आप इस्तेमाल करते हो, ठीक है, फ्लोट के लिए परसेंट एफ, ठीक है, इसके बाद में कैर के लिए आप इस्तेमाल करते हो परसेंट सी, इसके बाद में आपको मैंने बताया था डबल, है ना, लॉन्ग डबल, ऐसे सारी चीजों के लिए मैंने बताया था ना, फिर स्ट्रिंग जैसे है तो स्ट्रिंग के लिए मैंने आपको बताया था परसेंट है, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हम उसमें यूज करते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, फॉर्मेट स्ट्रिंग जब भी हम लिखते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग जो मैंने अभी आपको बताया वो हमेशा किस में लिखते हैं, डबल कोट में। जैसे सपोज दैट कि आपने लिखा हेलो, तो आपने ये मैसेज एज इट इज प्रिंट कराने के लिए लिखा है, तो हेलो आपकी स्क्रीन पर दिखेगा, या मान लीजिएगा हमने लिखा वेलकम, ठीक है, वेलकम, राइट, वेलकम लिख दिया,
ये हमने जो भी मैसेज हमको प्रिंट कराना है, या हम सपोज दैट लिख देते हैं कि एंटर एंटर द मार्क्स, जैसे अभी हमने लिखा था आपको प्रोग्राम में बताया था, तो मैंने लिखा था एंटर द मार्क्स, ठीक है, या हमने एंटर द वैल्यू ऑफ ए बी सी, जो भी लिखना था, ये हमने क्या किया, फॉर्मेट स्ट्रिंग की बात की। अब बात आती है आर्ग्यूमेंट लिस्ट की, तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है? आर्ग्यूमेंट लिस्ट में देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या है? आर्ग्यूमेंट लिस्ट का मतलब ये हुआ, जैसे सपोज दैट कि आपने अपने प्रोग्राम में यूज किया कि %d%d, ठीक है, सपोज दैट ये हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गया। अब हम क्या करते हैं, ए और बी मान लो हमने अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल किए, ठीक है ना, तो ए क्या है, बी क्या है, ये है आर्ग्यूमेंट्स हैं, क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। अभी हम प्रोग्राम के माध्यम से बताएंगे, प्रॉपरली आपको बताएंगे, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं कि ये लिखा मैंने प्रिंट एफ लिखा और लिखा मान लीजिए %d, ठीक है, अब मैंने लिखा ए, ठीक है, ये लिखा, तो ये हमने क्या किया, यहां पर ये है हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग और दूसरा है हमारा आर्ग्यूमेंट लिस्ट, क्लियर। तो इस तरीके से हम प्रिंट एफ फंक्शन को यूज करते हैं। अभी हम एक प्रोग्राम भी बताएंगे आपको, तो आपको अच्छे समझ में आएगा और हम आपको यूज करके भी बताएंगे इन दोनों चीजों को, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, देखिए अब एग्जाम्पल आप देखिएगा, मैंने जो चीज अभी आपको बताई थी उसी को आप प्रैक्टिकली देखिएगा कैसे, कि हैश इंक्लूड str.h, फिर उसके बाद मैंने इंट मेन, देखिए मैंने एक मेन फंक्शन लिखा है, मेन जो है स्पेशल टाइप का फंक्शन जिसकी मदद से हम अपने प्रोग्राम को या कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं, इसके बाद में कर्ली ब्रेसेस, फिर हम देखिएगा यहाँ पर हमने क्या लिखा, डिस्प्ले द स्ट्रिंग इनसाइड कोटेशंस, राइट, जैसे मैंने लिखा प्रिंट एफ सी प्रोग्रामिंग, तो मैंने क्या लिखा, डबल कोट्स में लिखा इसको, डबल कोट्स में लिखा, तो देखिए यहाँ पर भी जो लिखा था आपने सी प्रोग्रामिंग, वही आपको यहाँ पर आउटपुट एज इट इज शो हो गया, क्लियर। और अगर हम चाहें तो कोई और भी वेरिएबल बना करके हम यहाँ पर उसकी वैल्यू भी शो करा सकते हैं, राइट। देखो एक और एग्जाम्पल हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, एक और एग्जाम्पल मैंने क्या लिया है, मैंने यहाँ पर अब क्या लिया हुआ है, देखिए हैश इंक्लूड str.h, ये हेडर फाइल है जिसमें किसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इस प्रिंटर फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, या अगर स्कैनफ यूज करेंगे तो स्कैनफ फंक्शन की डेफिनेशन लिखी होगी, ठीक है। तो str.h क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, इंट टेस्ट इंटीजर नाम का एक वेरिएबल बनाया, इंटीजर टाइप का है जिसमें 5 असाइन किया हुआ, ठीक है। अब देखो यहां पर हमने प्रिंटएफ के अंदर क्या किया, दोनों चीजें यूज की, एक तो हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग, जो हमें जैसे मैसेज देना है तो मैसेज दे दिया, और फॉर्मेट स्ट्रिंग हमने यूज किया, जैसे %d, क्योंकि हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू प्रिंट करानी तो हमको क्या यूज करना पड़ेगा, %d यूज करना पड़ेगा, देन इसके बाद में हमने क्या लिखा, टेस्ट इंटीजर नाम का वेरिएबल क्लियर किया, राइट। तो ये चीजें हमको यहां पर करनी होती है। तो अब देखो ये हमारा है फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है, ये क्या है हमारा फॉर्मेट स्ट्रिंग, और ये क्या है हमारा आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो यहां पर एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। सो वी यूज %d इज अ फॉर्मेट स्पेसिफाइड टू प्रिंट इंट टाइप्स, हियर द %d इनसाइड द कोटेशंस विल बी रिप्लेस्ड बाय द वैल्यू ऑफ टेस्ट इंटीजर। तो हमने टेस्ट जो भी नंबर लिया था यहां पर टेस्ट नंबर में हमने क्या नंबर में क्या ये देखिए नंबर इक्वल टू क्या लिखा आ रहा है 5 लिखा आ रहा है क्या लिखा आ रहा है नंबर इक्वल टू 5 क्योंकि नंबर हमने डबल कोट्स में लिखा था तो और इक्वल टू तक लिखा था तो हमने और जो %d है उसका काम है इस वैल्यू इसको हमको असाइन करवाना ठीक है राइट तो इस तरीके से ये तो हमने प्रिंटेड फंक्शन आपके साथ में भी डिस्कस किया स्कैनएफ को भी डिस्कस करेंगे फिर एक साथ हम आपको कोड करके बताएंगे राइट चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं और अब जानेंगे स्कैनएफ सो स्कैनएफ में का मतलब क्या हुआ देखिए स्कैनएफ का मतलब ये हुआ कि इनपुट डेटा कैन बी एंटर्ड इनटू कंप्यूटर फ्रॉम अ स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस ठीक है बिल्कुल सही बात है अब हमको कोई भी इनपुट डेटा को देना है कंप्यूटर में तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस का यूज करेंगे जैसे हम कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं राइट सो स्कैनएफ जो है वो सी लाइब्रेरी फंक्शन ही है scanf फंक्शन अलाउज टू होल्ड द इनपुट डेटा इनटू वेरिएबल्स बिल्कुल सही बात है scanf क्या अलाउ करेगा होल्ड द इनपुट डेटा इनटू वेरिएबल्स में उसको स्टोर कराएगा सो इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं द scanf फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट बिल्कुल सही बात है द scanf फंक्शन इज यूज्ड फॉर इनपुट सो इट रीड्स द इनपुट
डेटा फ्रॉम द कंसोल, यानी कंसोल से ये डेटा को रीड करेगा. सो दिस फंक्शन कैन बी यूज टू एंटर एनी कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज, सिंगल कैरेक्टर एंड स्ट्रिंग. अब ये जो फंक्शन हम यूज करते हैं तो किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ द, कैसे भी कॉम्बिनेशन से हम इसको यूज कर सकते हैं. जैसे न्यूमेरिकल वैल्यू हम इसमें डाल सकते हैं, हम कोई कैरेक्टर डाल सकते हैं, हम कोई स्ट्रिंग डाल सकते हैं. सो कुछ भी आप इसमें इनपुट करा सकते हैं. सो दैट द फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ डेटा आइटम दैट हैव बीन एंटर्ड सक्सेसफुली. मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप एक साथ बहुत सारे डेटा आइटम्स को इंसर्ट करा सकते हो, इनपुट करा सकते हो. सो इन सी प्रोग्रामिंग scanf is one of the commonly used function to take input from the user. scanf क्या है? commonly used function है जो कि input user से लेने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं. ठीक है? so the scanf function reads formatted input from the standard input such as keyboard. scanf function क्या read कर रहा है? formatted input को. वहां पर formatted output आ रहा था, यहां पर formatted input आ रहा है, right? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है. क्लियर? इसका मतलब समझ गए होंगे आप, क्योंकि हम अभी प्रोग्राम में प्रिंटअप और स्कैनअप इतनी बार इस्तेमाल करेंगे कि आपको ये बातें दोनों अच्छे से समझ में आ जाएगी. प्रिंटअप का इस्तेमाल हम बहुत पहले से करते चले आ रहे हैं. स्कैनअप का फंक्शन हमने, स्कैनअप फंक्शन का यूज हमने सिर्फ एक आधी बार किया होगा, लेकिन आगे हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उसमें आप स्कैनअप का यूज भी बहुत बार देखेंगे, राइट? तो हमको समझ में ये बात आ जाएगी, जिनको नहीं पता है ये बात. वैसे तो बहुत ही कॉमन सी बात है प्रिंटअप और स्कैनअप. क्लियर? चलिए अब हम आगे इसका सिंटैक्स देख लेते हैं. देखिए इसका सिंटैक्स है scanf, scanf फंक्शन लिखा हमने, उसके बाद में कंट्रोल स्ट्रिंग. यहां पर कंट्रोल स्ट्रिंग जैसे मैंने हमने लिखा परसेंट डी, देखो ये लिखे जैसे परसेंट डी, फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाएंगे और आर्ग्यूमेंट वन, फिर एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, आर्ग्यूमेंट टू. जितने भी हमको आर्ग्यूमेंट लेने होंगे हर आर्ग्यूमेंट के पहले एड्रेस ऑफ ऑपरेटर को हम इस्तेमाल करेंगे. ठीक है? जैसे यहां पर मैंने एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, ठीक है, इस तरह से लिया हुआ है. देखो मैं आपको और भी बना के बताता हूं. सपोज दैट कि मान लो आपको scanf लिखना है, scanf मान लो परसेंट, यहां पर डबल कोट्स परसेंट डी, मान लो परसेंट सी, ठीक है, या मान लो परसेंट एफ. सपोज दैट तो मैंने तीन यहां पर आर्गुमेंट को मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मैंने तीन फॉर्मेट स्ट्रिंग को यूज किया है. जैसे परसेंट डी है इंटीजर के लिए तो मैंने लिखा परसेंट एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, कॉमा एड्रेस ऑफ बी, कॉमा एड्रेस ऑफ सी, ठीक है, ये मैंने इस्तेमाल किया. अब सपोज दैट कि मान लीजिएगा मैंने यहां पर डेटा टाइप जब डिक्लेयर किया होगा, सपोज दैट तो मैंने लिख लिया, मैं यहां पर इसको रेड पेन से ले लेता हूं. सपोज दैट कि मैंने मान लिया मैंने लिखा इंट ए, ठीक है, मैंने लिखा कैर बी, ठीक है, या मैंने लिखा फ्लोट फ्लोट सी. तो मुझे हर टाइप के लिए, हर टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्ट्रिंग का यूज करना पड़ेगा. ठीक है? जो मैं स्कैनअप के अंदर कंट्रोल, इसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्ट्रिंग, और इनको क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट लिस्ट, और ये जो है इसको पढ़ते हैं हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. आगे जाकर के हम इसको एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जब हम पॉइंटर्स यूज करेंगे तब पढ़ेंगे. ठीक है? वैसे हम इसको एन परसेंट पढ़ते हैं. ठीक है? एन परसेंट ऑफ ए, एन परसेंट ऑफ बी, एन परसेंट ऑफ सी, राइट? ये क्योंकि आगे जाकर के ये क्या करेगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जब हम पॉइंटर्स का यूज करेंगे तब हम इसको जानेंगे, अभी नहीं जानेंगे. बाकी इसको हम एन परसेंट ऑफ ए, एन परसेंट ऑफ बी, ठीक है, या एंड ऑपरेटर को हम, इसको हम एंड ऑपरेटर भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंड ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर बोलते हैं. तो ये हमको इस्तेमाल करना होगा अपने स्कैनर फंक्शन में, राइट? ओके, चलिए आगे चलते हैं और अब हम एक एग्जांपल इसका भी ले लेते हैं. देखो हमने जो अभी एग्जांपल लिया था उस एग्जांपल को ही देख लेते हैं. मान लीजिएगा अब देखिए हैश इंक्लूड, देखिए यहां पर मैंने क्या यूज किया, हैश इंक्लूड stdio.h. तो ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, जहां पर printf और scanf दोनों की डेफिनेशन लिखी. देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, printf और scanf दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है. इसलिए हम हर बार, आपने देखा होगा जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं तो उस समय हम हर बार हैश इंक्लूड stdio.h हर बार इंक्लूड करते हैं, क्योंकि इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में printf और scanf दोनों फंक्शन की डेफिनेशन यहां पर लिखी हुई है. हम इस फंक्शन को
तभी यूज कर पाएंगे जब हम इस हेडर फाइल का इस्तेमाल करेंगे, जब हम इस हेडर फाइल का इस्तेमाल करेंगे, अदरवाइज हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ठीक है, अब देखिए इसी प्रोग्राम में मैंने दोनों बातें यहां पर आपके साथ में ली हुई हैं। मैंने क्या किया, पहले एक टेस्ट इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर किया, प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जिसमें मैंने देखिए फॉर्मेट स्ट्रिंग यहां पर इस्तेमाल की, एंटर एन इंटीजर माने हम कोई स्क्रीन पर आउटपुट, स्क्रीन पर कोई मैसेज चाहते हैं तो हमने आउटपुट यानी कि फंक्शन का यूज किया, यानी प्रिंटफ फंक्शन का यूज किया जिसमें मैंने लिखा एंटर एन इंटीजर। देन इसके बाद में मैंने क्या लिखा, स्कैनर फंक्शन लिखा और स्कैनर फंक्शन में मैंने लिखा परसेंट डी, देखिए कंट्रोल स्ट्रिंग यानी परसेंट डी फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखी मैंने परसेंट डी क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट कराना है, एंड परसेंट साइन लगाया और लिखा टेस्ट इंटीजर, क्या लिखा टेस्ट इंटीजर। ओके, देन इसके बाद में ये वैल्यू इनपुट हो गई है ना, अब इनपुट हो गई इसके बाद में देखिए आप यहां पर देखिए अगर जब इसको हमने कंपाइल किया तो यहां पर लिखा आया एंटर एन इंटीजर, ठीक है एंटर एन इंटीजर लिखा और यहां पर फोर हमको दिख, फोर हमने यहां पर यूजर्स ने एंटर किया, जैसे फोर यूजर ने एंटर किया। अब हम चाहते हैं कि जो वैल्यू एंटर की गई है उसका भी आउटपुट देखना है कि यूजर ने क्या वैल्यू एंटर की है, अगर उसको स्क्रीन पर देखना हो तो हमने दूसरा प्रिंटफ इस्तेमाल किया और उस प्रिंटफ में मैंने क्या किया फॉर्मेट स्ट्रिंग में लिखा मैंने नंबर इक्वल्स टू, ठीक है नंबर में नंबर बराबर दिखने लग जाए मुझे, ये वेरिएबल नहीं है ये है स्ट्रिंग, ठीक है तो ये जैसा आपने लिखा है वैसे यहां पर लिखा आ गया, देखो नंबर इक्वल यहां तक ले लिया। इसके बाद में फॉर्मेट स्ट्रिंग का हमने इस्तेमाल किया, देखिए फॉर्मेट स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया तो क्या आ गया परसेंट डी, परसेंट डी क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू थी इसलिए परसेंट डी, और टेस्ट इंटीजर हमने जो वेरिएबल बनाया था उसको हमने यहां पर लिख दिया, तो यहां पर जो वैल्यू थी वो टेस्ट इंटीजर वाली शो हो गई, ठीक है तो इस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। सो हियर वी हैव यूज्ड परसेंट डी स्पेसिफायर इनसाइड द स्कैनर फंक्शन टू टेक इनपुट इंटीजर इनपुट फ्रॉम द यूजर, व्हेन द यूजर एंटर्स एन इंटीजर इट स्टोर इन द टेस्ट इंटीजर वेरिएबल। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, हमने प्रोग्राम में काफी बार इसको इस्तेमाल भी किया है। देखो एक और एग्जाम्पल है उसके थ्रू भी हम इस बात को समझते हैं। देखिए मैंने क्या किया है यहां पर दो अलग अलग वेरिएबल भी लिए हैं हैश इंक्लूड, ठीक है stdio.h, फिर मैंने वही लगाया हुआ है, देखिए फिर मैंने वही लगाया हुआ है इसलिए आप उसको ध्यान से समझें, ठीक है। इसके बाद में देखिए मेन फंक्शन के अंदर मैंने फ्लोट नम वन नाम का वेरिएबल बनाया और एक वेरिएबल बनाया नम टू डबल टाइप का, ठीक है। अब देखिएगा मैंने प्रिंटफ फंक्शन का इस्तेमाल किया, उसमें लिखा एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर का मतलब हुआ हमने एक मैसेज लिखा एंटर अ नंबर, देखो हम स्क्रीन पर आपको एज वेल एज दिखा रहे हैं एंटर अ नंबर, ठीक है आपने आउटपुट में विंडो पे क्या मैसेज देखोगे आप एंटर अ नंबर, ठीक है। अब स्कैनर फंक्शन का यूज किया हमने तो परसेंट एफ लिखा एन परसेंट एफ लिखा क्योंकि यहां पर क्या दिखाना था मुझे यहां पर क्या करना था फ्लोट टाइप की वैल्यू n परसेंट साइन और नम वन, n परसेंट साइन के साथ में हमने क्या लिखा नम वन। अब देखो यहां पर मैं एक वेरिएबल पहले से लिख लेता हूं, ठीक है ये मान लीजिएगा मेरा नम वन है और दूसरा वेरिएबल है मेरा मान लीजिएगा नम टू। अब देखो ये जो है वो है डबल और ये जो है वो है फ्लोट, ठीक है तो दोनों वेरिएबल अलग अलग टाइप की हैं। अच्छा अब देखो नम वन में हमने मैसेज डाला एंटर नंबर, मान लीजिएगा यूजर ने वैल्यू एंटर की 12.523, ठीक है यूजर ने क्या वैल्यू एंटर की 12.523 ये वैल्यू यूजर ने देखो यहां पर एंटर कर दी। अब देखिएगा दूसरी बार में हमने क्या लिखा एक और प्रिंटफ लिखा, जब मैंने दूसरी बार में एक और प्रिंटफ लिखा तो मैंने क्या लिखा एंटर अनोदर नंबर, देखिए मैंने क्या लिखा एंटर अनोदर नंबर तो स्क्रीन पर भी क्या देखेगा एंटर अनोदर नंबर, क्लियर। अब देखिए स्कैनर दूसरी बार स्कैनर फंक्शन का यूज किया और परसेंट एलएफ यूज किया, तो देखो एक बार मैं आपको याद दिला दूं कि डबल जब भी हम इस्तेमाल करते हैं डबल के लिए हम जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं वो क्या यूज करते हैं एलएफ, क्या यूज करते हैं परसेंट एल F, तो हमने क्या यूज किया परसेंट एल एफ। ओके तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं, फिर देखिए n परसेंट साइन और नम टू, जैसे हमने इसमें लिखा तो दूसरी वैल्यू हम जो भी एंटर कराना चाहते हैं मान लीजिए 10.2 हमने एंटर की, देखो 10.2 हमने एंटर की तो 10.2 यहां पर
स्टोर हो गई। अब हमने क्या किया, दो प्रिंटर फंक्शन का इस्तेमाल किया। दो प्रिंटर फंक्शन का जब इस्तेमाल किया तो हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हमने यूजर से एंटर तो करवा दी लेकिन हम उसका स्क्रीन पर मैसेज भी देखना चाहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम उसको देखना भी चाहते हैं उन वैल्यूज को कि यूजर ने जो वैल्यू एंटर की वो क्या क्या वैल्यू एंटर की। तो देखो मैंने लिखा प्रिंटर फंक्शन नम वन इक्वल टू परसेंट एफ, क्योंकि फ्लोट टाइप की वैल्यू थी और नम वन को लिख दिया, तो यहां पर पहली वाली वैल्यू नम वन इक्वल टू 12.5230 ये सो हो गई। दूसरी बार जब प्रिंटर फंक्शन इस्तेमाल किया तो वहां पर नम टू बराबर लिखा, तो देखिए यहां पर चूंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग है इसलिए जैसे आपने लिखा वैसे ये प्रिंट हो जाएगा, और परसेंट एलएफ जो आपने इस्तेमाल किया है वो लॉन्ग डबल के लिए इस्तेमाल किया है। इसके बाद में आर्गुमेंट लिखा मैंने नम टू, तो देखिए 10.2000 ये इसलिए लिखना पड़ता है कि किस वेरिएबल की वैल्यू आप शो कराना चाहते हो वो अपने आर्गुमेंट लिस्ट में आप उसको लिख देते हो। आई होप कि अब आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि अभी तक हमने जितने भी प्रोग्राम आपके साथ में डिस्कस किए उनमें सभी मैं हमने आपको प्रिंटएफ और स्कैनएफ का यूज करके बताया है। प्रिंटएफ फंक्शन का यूज हमने बहुत ज्यादा बार किया, स्कैनएफ का हमने एक आधी बार यूज किया है, लेकिन अब हम इन दोनों फंक्शन का यूज बहुत ज्यादा करने वाले हैं, राइट। तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक बार हम प्रोग्रामिंग टूल के माध्यम से भी आपको एक बार मैसेज दिखा देते हैं कि किस तरीके से हमको आउटपुट में दिखता है। जो लोग शायद नए होंगे या मेरी बार क्लास पहली बार देख रहे होंगे उनको मैं एक बार दिखाना चाहता हूं, या एक बार हम आप सभी को रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि जो हम लोग लिखते हैं हर बार एंटर द नंबर एंटर द हर बार लिख देते हैं लेकिन समझ में नहीं आता क्यों लिख देते हैं, क्योंकि हमको एक मैसेज इसलिए प्रिंट कराना था ताकि यूजर को एक स्पेसिफिक टास्क समझ में आए कि हम क्या परफॉर्म करना चाह रहे हैं, या जब भी हम प्रोजेक्ट देते हैं किसी को या हम कुछ भी देते हैं, कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कोई सॉफ्टवेयर चलाते हैं, तो हमेशा डायलॉग बॉक्स दिखता है कि भाई वो ये शो करना चाहता है कि आप ऐसा कार्य करें या आप ये कार्य करें या हम आपको कोई मैसेज दिखाना चाहते हैं, तो हमेशा लिखा आता है वेलकम हेलो ऐसा कुछ कुछ मैसेज लिखा आता है ताकि उससे ये पता चले कि ये हमने इंस्टॉल कर लिया रन कर लिया। बहुत सारी चीजें एक स्पेसिफिक टास्क है, सपोज दैट कि एंटर द नंबर फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर, कई सारे आपने सॉफ्टवेयर देखे होंगे तो उनमें ये सारी चीजें होती हैं और होना भी चाहिए, क्लियर। तब तक हम लोग इस बात को अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाते अगर ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम प्रिंटर फंक्शन का यूज करते हैं कि भैया जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो सही बना है कि नहीं बना है, तो उसका आउटपुट एक बार हम देख लें, क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं एक बार प्रोग्रामिंग टूल पर। चलिए देखिए यहाँ पर पहली इंपॉर्टेंट बात यह है, मैंने यहाँ पर हैश इंक्लूड stdio.h लिखा है। देखो मैं बार बार लिखता हूं तो इसका मतलब यह है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है, ये हेडर फाइल है क्योंकि इसमें फंक्शंस जो हमारे हैं प्रिंटएफ और स्कैनएफ इन दोनों की डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको लगाने से ही उनकी डेफिनेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाती है जैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा मान लीजिएगा प्रिंटएफ, तो प्रिंटर फंक्शन लिखा, अब यहां पर मैंने क्या लिखा डबल कोट्स लिखा, क्यों, क्योंकि अगर हम कोई मैसेज शो करना चाहते हैं तो डबल कोट्स में लिखना पड़ेगा, या कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग हमको लेना होगी तो भी हमको परसेंट डी परसेंट एफ तो भी हमको क्या करना पड़ेगा डबल कोट्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिएगा मैं यहां पर लिखता हूं सी प्रोग्रामिंग, ठीक है, ये मैंने सी प्रोग्रामिंग लिख दिया यहां पर, ओके। देन इसके बाद में अभी हमने कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, सिंपल सा लिया हुआ है, टर्मिनेट कर दिया, और अब मैं इसको कंपाइल और रन दोनों करूंगा तो आप देखेंगे कि हमारा क्या आउटपुट आएगा। देखिए हमने इसको कंपाइल रन दोनों कर दिया, देखिए ये लिखा आ रहा है सी प्रोग्रामिंग लिखा आ रहा है, जो मैसेज हम चाहते थे वही मैसेज आ गया, राइट। अब देखिएगा मान लीजिएगा मैंने एक वेरिएबल यहां पर ही डिक्लेयर कर देता हूं, जो मान लीजिएगा मैंने इंट लिखा था और टेस्ट इंटीजर नाम का है ना, इंटीजर नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहता हूं ये सी प्रोग्रामिंग तो लिखा हुआ है, मैं एक और प्रिंटएफ लिख देता हूं यहां पर ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, और मान लो मैं यहां पर एक वैल्यू भी असाइन करा देता हूं 10, क्लियर। फिर देखिएगा मैं इसमें क्या करने वाला हूं, मैं इसमें एक और प्रिंटएफ लिखने वाला हूं और उस प्रिंटएफ में मान लो मैं लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए मैंने यहां पर डबल कोट्स लिखा और मैं चाहता हूं मान लीजिएगा क्या मैंने कोई नंबर लिख दिया नंबर इक्वल्स टू जो मैंने वहां पर लिखा था, और मैं चाह रहा हूं कि इस वैल्यू को शो कराना है तो मैंने परसेंट लगाया परसेंट डी, क्योंकि इंटीजर के लिए मुझे परसेंट डी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन मैंने कॉमा इस्तेमाल किया, कॉमा इस्तेमाल करने के बाद में मैंने उसको यानी इस वैल्यूएबल की
देखिए जो मैंने लिखा है इसको मैं इस आर्गुमेंट को मुझे लिखना पड़ेगा अपनी आर्गुमेंट लिस्ट में, क्योंकि किसकी वैल्यू आप शो कराना चाह रहे हो, जिसकी वैल्यू आप शो कराना चाह रहे हो उसका नाम आपको यहां पर शो करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा टेस्ट इंटीजर, ठीक है टेस्ट इंटीजर, और ये मैंने लिख दिया। देन इसके बाद में मैंने क्या लगा दिया, ये देखिए सेमी कॉलन लगा दिया ताकि ये टर्मिनेट हो जाए। अब मैं इसको कंपाइल और रन करता हूं, राइट। देखिए आप देख पाएंगे कि पहला हमारा जो स्क्रीन पर मैसेज आएगा वो आएगा सी प्रोग्रामिंग। दूसरी बार में देखिए मैं यहां पर एक और काम कर देता हूं, स्लैश एन लगा देता हूं ताकि जो हमारा नेक्स्ट आउटपुट होगा वो नेक्स्ट लाइन से प्रिंट होगा, राइट। अब देखिए मैं इसको कंपाइल और रन करूंगा तो यहां पर मुझे क्या मिलता है, देखिए मुझे क्या मिल रहा है, सी प्रोग्रामिंग पहला हमारा मिला जो प्रिंट एफ में हमने लिखा था, दूसरी बार नंबर में 10 मिला, नंबर में क्या मिला 10 मिला, क्योंकि नंबर मैंने नंबर इक्वल टू तक हमने यहां तक लिखा था फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर, तो नंबर इक्वल टू आ गया और 10 जो है वो टेस्ट इंटीजर की वैल्यू यहां पर डिस्प्ले करा रहा है। क्लियर, आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैं इसी में आपको स्कैनफ फंक्शन का इस्तेमाल करना बताऊंगा, राइट। पहले हम इसको सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको ये बात समझ में बहुत अच्छे से आ जाएगी। जैसे मान लीजिएगा मैं यहां पर अभी जो असाइन की है वो ना असाइन करें, ठीक। अब मैंने क्या लिखा है, सी प्रोग्रामिंग ये लिखा रहने देते हैं। अब मैं चाह रहा हूं तो मैंने एक प्रिंटेफ लगाया था वो ये लगाया था, अब मैं चाह रहा हूं कि एक प्रिंटेफ और लिख देता हूं, ठीक है एक प्रिंटेफ लिख देता हूं जिसमें मैं एक वैल्यू लिख देता हूं, मान लो कुछ मैसेज लिख देता हूं, एंटर द वैल्यू, एंटर द वैल्यू ऑफ क्या लिख देता हूं, टेस्ट इंटीजर, ठीक है टेस्ट इंटीजर की वैल्यू आप एंटर कर दो, ठीक है, या एंटर द वैल्यू ऑफ टेस्ट, हमने मान लीजिए एक मैसेज लिख दिया। अब देखिएगा मैं यहां पर अब क्या ये एक मैसेज हमारा स्क्रीन पर शो होगा, ये मैसेज हमारा स्क्रीन पर क्या होगा शो होगा, क्लियर। तो अब यहां पर मैं स्लैश एन भी डाल देता हूं। अब देखिएगा मैं यहां पर स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा, SCANF स्कैनर फंक्शन का इस्तेमाल किया, यहां पर मैंने डबल कोट्स लगाए। अब मुझे क्या करना होगा, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू है तो मैं परसेंट डी लगाऊंगा, परसेंट डी के बाद में यहां पर कॉमा ऑपरेटर इस्तेमाल करूंगा, एंड परसेंट साइन इस्तेमाल करूंगा और जिसकी वैल्यू मुझे इनपुट करानी है उसका नाम लिख दूंगा। तो टेस्ट इंटीजर की वैल्यू मुझे, टेस्ट इंटीजर की वैल्यू मुझे इनपुट करानी थी तो मैंने उसका नाम लिख दिया, ठीक। जब मैंने इसका नाम लिख दिया तो ये वैल्यू क्या हो गई, इनपुट हो गई, इनपुट हो गई। अब मैं इसी वैल्यू को क्या करना चाह रहा हूं, टेस्ट इंटीजर की वैल्यू को देखना चाह रहा हूं स्क्रीन पर, तो मैंने लिख दिया नंबर इज इक्वल टू परसेंट डी और टेस्ट इंटीजर। अब देखिएगा मैं इसको कंपाइल रन करूंगा तो आप स्क्रीन पर क्या देख पा रहे हैं, देखिए ये देखिए है ना, ये देखिए कंपाइल हो गया। मैंने यहां पर क्या लिखा, सी प्रोग्रामिंग जो मेरा पहला प्रिंट ऐप लिखा था उसमें लिखा, फिर देखिए एंटर द वैल्यू ऑफ टेस्ट इंटीजर। अब यूजर जो है यहां पर देखिए यहां पर जो मैसेज आ रहा है प्रिंटफ में क्या लिखा था, एंटर द वैल्यू ऑफ टेस्ट इंटीजर, राइट। अब मैं यहां पर एक वैल्यू एंटर कर देता हूं, मान लीजिएगा 24 एंटर कर दिया और एंटर की प्रेस की तो मुझे क्या मिल गया, देखिए नंबर में 24 मिल गया, मैंने लिखा था नंबर, नंबर इक्वल टू और ये 24 शो हो गया, मतलब यूजर ने 24 एंटर किया था और वही उसने वहां पर डिस्प्ले में उसको दिखा दिया। तो इस तरह से हमने प्रिंटफ और स्कैनर फंक्शन का बेसिक यूज समझा। अब मान लीजिएगा कि मैं अभी आपको एक प्रोग्राम और डिस्कस किया था प्रीवियस में एग्जाम्पल में, तो मैं एक और प्रोग्राम आपको बताता हूं। जस्ट सपोज दैट कि मैं दो वैल्यू यहां पर, दो तीन वैल्यू मैं यहां पर इस्तेमाल कर लेता हूं, ठीक है। मान लेते हैं मैंने यहां पर इंट, मान लो यहां पर टेस्ट ले लिया, सपोज दैट, ठीक है टेस्ट ले लिया या जो अभी लिया था वही ले ले है ना, टेस्ट लिया है, इसके अलावा टेस्ट और मैंने एक और सॉरी यहां पर मैंने लिख दिया फ्लोट, ठीक है फ्लोट, मान लीजिए मैंने लिखा नम वन, ठीक है इसके बाद मैंने लिखा मान लो डबल, ठीक है डबल नम टू, ठीक है ये मैंने लिख दिया। अब मैंने क्या किया, एंटर द वैल्यू ऑफ यहां पर एक मैसेज लिख देता हूं टेस्ट, ठीक टेस्ट लिखा, ओके। अब मान लो यहां पर मुझे पहले एक एक करके मैं वैल्यू एंटर कराऊंगा और एक एक करके मैं आपको वैल्यू शो कराऊंगा, क्लियर। तो देखो मैंने लिखा सी प्रोग्रामिंग स्लैश एन एंटर द वैल्यू ऑफ टेस्ट, तो ये टेस्ट की वैल्यू को यहां पर एंटर करवाने के लिए मैसेज लिख दिया मैंने। अब देखो मैंने स्कैनर फंक्शन यूज किया तो परसेंट
देखो यहां पर मुझे क्योंकि नाम चेंज किया मैंने वेरिएबल का, तो मुझे यहां पर भी उसकी वैल्यू को नाम चेंज करना पड़ेगा। तो एंटर परसेंट डी और परसेंट ऑफ टेस्ट, ठीक है। अब मैं एक काम करूंगा, इसकी वैल्यू मैंने जो एंटर कराई थी वो शो करा लूंगा, लेकिन मैं एक साथ शो करा लूंगा तो ज्यादा बेहतर लगेगा। पहले मैं सारे एंटर वैल्यूज को यूजर के साथ में एंटर करा लेता हूं, ठीक है। चलिए अब देखो, मैं अगला प्रिंटअप मैसेज लिखूंगा, प्रिंटअप स्टेटमेंट लिखूंगा, और वहां पर मैंने एक और लिख ली वैल्यू की, एक और मैसेज लिखा, एंटर द वैल्यू ऑफ नम वन, ठीक है, ये लिख दिया। ओके, और अब मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने इसको सेमी कोलन से टर्मिनेट किया, फिर मैंने स्कैनएफ फंक्शन का इस्तेमाल किया, और स्कैनएफ फंक्शन के अंदर मैंने क्या किया, फॉर्मेट स्ट्रिंग डाल दी परसेंट एफ, परसेंट एफ के बाद में मैंने एड्रेस ऑफ यानी एन परसेंट साइन लगाया, एन परसेंट ऑपरेटर, ठीक है, एड्रेस ऑपरेटर लगाया, और उसमें मैंने लिखा नम वन, ठीक है, और इसके बाद में मैंने इसको सेमी कोलन से टर्मिनेट करा दिया। तो अब मैं नम वन की वैल्यू को यहां पर एंटर करा रहा हूं यूजर से कीबोर्ड के द्वारा, क्लियर। तो ये है दूसरा स्कैनर। अब मैं मान लीजिएगा हमको इस डबल वाली वैल्यू को भी यूजर से एंटर कराना है, उसको शो कराना है, तो मैं यहां पर एक और स्टेटमेंट लिख दूंगा, और ठीक है मैं एक और स्टेटमेंट इस प्रिंटफ के आगे लिख दूंगा, भी एक साथ लिख देता हूं। पहले मैं एक और प्रिंटफ लिखवा लेता हूं, एक और प्रिंटफ लिख देता हूं यहां पर। देखिए मैंने एक और प्रिंटफ लिया और यहां पर मैंने फिर डबल कोट्स लिखा और एक और मैसेज यहां पर स्क्रीन पर शो कराया, एंटर द वैल्यू ऑफ क्या नम टू, ठीक है, स्लैश एंड डाल दिया, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, यहां पर सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। अब देखिएगा मैं क्या करने वाला हूं, मैं यहां पर चूंकि यहां पर प्रिंट एफ लगाया, स्कैन एफ लगाता हूं, SCANF, स्कैन एफ, और यहां पर भी हमने क्या लिखा, परसेंट एल एफ लिखा, क्योंकि यहां पर डबल टाइप की वैल्यू को हम स्टोर कराना चाह रहे हैं। डबल टाइप की वैल्यू को एंटर करेंगे, देन एंड परसेंट साइन और नम टू, ठीक है, सेमी कॉलन से टर्मिनेट किया। तो यहां पर हम बार बार देख रहे हैं कि हमको कंट्रोल स्ट्रिंग और यहां पर आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब आर्ग्यूमेंट लिस्ट में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, एन परसेंट साइन के साथ में लगा सकते हैं। अभी मैंने आपको अलग अलग बताए हैं, मैं एक ही बार एक ही प्रिंटअप और एक ही स्कैनअप में आपको सारी चीजें भी बताऊंगा, तो आपको और अच्छे से ये बात समझ में आएगी। आप बार बार देख रहे होंगे कि मुझे हर बार प्रिंटअप स्कैनअप लिखना पड़ रहा है, पर मैं आपको सिंगल यूज में भी अभी आपको बताऊंगा, बट पहले अलग अलग समझ लेते हैं कि कैसे ये हो रहा है, ठीक है। अब देखिएगा मैंने एक प्रिंटअप लगाया था टेस्ट इंटीजर की वैल्यू शो करने के लिए, तो मैं यहां पर लिख देता हूँ टेस्ट ओनली, क्योंकि मुझे टेस्ट वैल्यू, क्योंकि मैंने जो इंटीजर नाम लिया है वो टेस्ट का लिया है, ठीक है। टेस्ट इंटीजर तो पहले लिया था, पर अभी मैंने क्या लिया है, टेस्ट। अब नेक्स्ट प्रिंटएफ लिखता हूं मैं, प्रिंटएफ मैंने नेक्स्ट लिखा और उसमें मैंने किसकी वैल्यू शो कराई, नम की वैल्यू शो कराई। तो मैंने मान लीजिएगा मैंने लिखा नम वन इक्वल्स टू, सपोज दैट, मान लो मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है, और परसेंट एफ लिखा, देन इसके बाद में मैंने कॉमा लगाया और नम वन जो वेरिएबल का नाम था वो लिख दिया, ठीक है, आर्गुमेंट का नाम लिख दिया। देन एक और प्रिंटअप स्टेटमेंट लिखा मैंने, और वो एक और प्रिंटअप स्टेटमेंट में मैंने मान लीजिएगा डबल कोट्स लगाया, मुझे नम टू शो करवाना था, तो मैंने इक्वल लगाया, परसेंट एल एफ लगाया, डबल टाइप का वेरिएबल है इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, नम टू जो वेरिएबल का नाम है। तो यहां पर मुझे ये स्क्रीन पर पहला मैसेज दिखेगा सी प्रोग्रामिंग, देन इसके बाद में जो दूसरा मैसेज इसके बाद तुरंत दिखेगा वो क्या दिखेगा, एंटर एंटर द वैल्यू ऑफ टेस्ट, ठीक है। तो यहां पर मुझे उसके बाद एंटर द वैल्यू ऑफ टेस्ट का मतलब यहां पर परसेंट डी और टेस्ट की वैल्यू यूजर से एंटर करवा देंगे, राइट। फिर मैंने अगला मैसेज देखा, लिखा एंटर द वैल्यू ऑफ नम वन, इसकी वैल्यू लिख लिख रही है, फिर वहां पर नम वन को मैंने यूजर से एंटर करवा लिया, कीबोर्ड से स्कैन हो गया, एंटर हो गया, फिर एंटर द वैल्यू ऑफ नम टू, दूसरे दूसरा तीसरा मैसेज डाला और उसके बाद में नम टू की वैल्यू को एंटर करा दिया। अब तीनों की वैल्यू को मैं बारी बारी क्या करवा रहा हूं, यहां पर शो करवा रहा हूं। तो मैं सभी में एक स्लैश एंड डाल देता हूं ताकि यहां पर मुझे अलग अलग लाइन से वो आउटपुट शो हो, क्लियर। ओके चलिए, तो अब देखिएगा क्या होगा, मैं इसको कंपाइल करता हूं, रन करता हूं और आपको शो कराता हूं, क्लियर। देखिए मैंने ये बनाया और ये कंपाइल हुआ, रन हुआ। पहला आप देखें मुझे बाय डिफॉल्ट क्या दिख रहा था, सी प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैंने लिया हुआ है ऑलरेडी, तो सी प्रोग्रामिंग दिख रहा है। सेकेंड मुझे इस मैसेज दिख रहा है एंटर द वैल्यू ऑफ टेस्ट, तो मैं वन बाई वन यहां पर एंटर कराता हूं।
24 मैंने एंटर किया, तो देखो एंटर द वैल्यू ऑफ नम वन। अब मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू एंटर करनी, नम वन कैसा है, फ्लोट टाइप का है, 25.365 ये एंटर किया। फिर मुझे नम टू यानी जो कि डबल टाइप का है, मान लो जो 45.6230, ये मैंने तीनों की वैल्यू एंटर करा ली। अब मुझे जो मैसेज दिखेगा, अब देखिए तीनों का मैसेज मुझे दिख रहा है, नम नंबर इक्वल्स टू 24, नम वन में देखो फ्लोट टाइप की था 2.365 मैंने एंटर किया था, तो मुझे फ्लोट टाइप की वैल्यू क्या दिख रही है, 36500, 45.6230 हमने एंटर किया था, तो नम टू की वैल्यू 45.62300 अब है ना। तो ये है प्रिंटएप और स्कैनएप का यूज। अब मैं एक इसी प्रोग्राम में आपको एक ही मैसेज में आपको ये सारी बातें लिख के बताऊंगा, ताकि आपको बार बार ये प्रिंटएप स्टेटमेंट लिखना ना पड़े। क्लियर? देखो मैंने यहां पर लिखा है एंटर द वैल्यू ऑफ टेस्ट, ठीक है। मान लो मैं यहां पर चाह रहा हूं कि एक ही मैसेज में लिख दूं टेस्ट कॉमा नम वन कॉमा, ठीक है। ये तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, जैसा हम स्क्रीन पर मैसेज लिखना चाह रहे हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर के रूप में, है ना, नम वन नम टू, ठीक है, एक मैसेज लिख रहे हैं। अब देखिएगा मैंने यहां पर क्या लिखा, परसेंट डी है ना, एंड परसेंट टेस्ट। अब मैं यहां पर क्या करता हूं, दूसरे फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज कर लेता हूं, जैसे मैंने लिखा परसेंट एफ, ठीक है, मैंने लिखा मान लो परसेंट एल एफ, ये लिखा, ठीक है, यहां पर क्या लिखा मैंने परसेंट एल एफ। अब यहां पर मैं तीनों वैल्यू एक साथ ही एंटर करवा लूंगा, तो एड यहां पर टेस्ट लिखा, फिर मैंने यहां पर कॉमा लगाया। देखो पहला आर्गुमेंट, देखो पहले तीन फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखी है ना, परसेंट डी परसेंट एफ परसेंट एल एफ, तो मुझे तीन बार यहां पर आर्गुमेंट अपने तीन आर्गुमेंट अलग अलग लिखने पड़ेंगे एंड परसेंट साइन के साथ में। पहला टेस्ट के लिए इस्तेमाल किया, पहला पहला परसेंट डी, तो पहला इंटीजर के लिए, फिर दूसरा मैंने फ्लोट के लिए, तो मुझे फ्लोट वाला लिखना पड़ेगा यानी नम वन लिखना पड़ेगा, और तीसरा देखो नम के पहले मुझे एड्रेस ऑपरेटर एन परसेंट साइन का साइन लगाना है, फिर मैं एन परसेंट साइन लगाऊंगा और नम टू। तो ऐसे मैंने तीनों वैल्यू एक साथ एंटर करा ली। अब मुझे ये मैसेज देखो जो मैं लिख रहा हूं, एंटर द वैल्यू ऑफ नम वन एंटर द वैल्यू ऑफ नम टू, तो मुझे इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मैं इनको डिलीट कर देता हूं। अब देखिएगा मैंने एक साथ तीनों वैल्यू एंटर करा ली। अब मैं चाह रहा हूं कि एक ही प्रिंटएप में मैं तीनों वैल्यू लिख दूं, ठीक है, तो मैं एक ही प्रिंटएप में इन बातों को लिख दूंगा, राइट। देखो मैंने क्या लिखा यहां पर, प्रिंटएप फंक्शन नंबर इक्वल टू परसेंट डी, ठीक है, मान लो मैंने ऐसा लिखा, ओके। और अब मान लो मैं लिख देता हूं नम कॉमा, सपोज दैट मैंने यहां पर कॉमा इस्तेमाल किया, ठीक है, मैंने यहां पर लिखा सपोज दैट कि नंबर इक्वल टू परसेंट डी, मान लो मैंने लिखा नम वन इक्वल टू परसेंट एफ, ठीक है, फिर मैंने कॉमा लिख दिया मान लो नम टू इक्वल टू, ठीक है, परसेंट एल एफ, ठीक है, ये लिख दिया मैंने, राइट। अब यहां पर मैं टेस्ट लिखा था, टेस्ट के बाद मैंने कॉमा डाल दिया और मैंने लिख दिया नम वन, फिर मैंने कॉमा लिखा नम टू, तो यहां पर मैं वेरिएबल लिस्ट जो है हमारी शो करा रहा हूं, ठीक है, यहां पर वेरिएबल जो लिस्ट है हमारी वो शो हो रही है, नम वन नम टू, ठीक है ना, ये मैंने यहां पर लिख दिया, क्लियर। तो इस तरीके से हमने यहां पर एक ही प्रिंटएफ में इन बातों को लिख दिया, क्लियर, नम वन और नम टू। अब मैं इसको क्या करता हूं, कंपाइल कर देता हूं और रन कर देता हूं, तो मैंने एक ही मैसेज में सारी बातें अपनी लिख दी, क्लियर। आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, राइट। तो देखो आप देख पा रहे हैं टेस्ट पर टेस्ट नम वन नम टू। तो अब मैं इसको रन करूंगा, कंपाइल करूंगा, देखिए मैंने यहां पर इसको कंपाइल किया, रन किया, और हमको मैसेज क्या लिखा आ रहा है, सी प्रोग्रामिंग एंटर द वैल्यू ऑफ टेस्ट नम वन और नम टू। तो मैं यहां पर तीन वैल्यू अब एंटर करूंगा, मान लो मैंने 25 एंटर किया, फिर मान लो मैंने 26.35 एंटर किया, फिर मैंने 47.256, ये तीनों वैल्यू देखो मैंने एक साथ एंटर की, तो मुझे क्या स्क्रीन पर मैसेज शो हो रहा है, नम नंबर इक्वल टू 25 कॉमा नम वन इक्वल टू 26.3500 और नम टू इक्वल टू 47.2500। तो मैंने एक ही प्रिंटअप का इस्तेमाल किया, एक ही स्कैनअप का इस्तेमाल किया, एक साथ वैल्यू एंटर करा ली, एक साथ वैल्यू मैंने डिस्प्ले करा ली। तो इस तरीके से हमारा एक तो टाइम भी सेव होता है और हम कर भी पाते हैं। तो ये हमने अभी आपको बताया प्रिंटएफ फंक्शन और स्कैनएफ फंक्शन, दोनों फंक्शंस का हमने आपको क्या बताया यहाँ पर, यूज बताया कि कैसे हम
अपने प्रोग्राम में इनका इस्तेमाल करते हैं। बार बार हम इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, लेकिन शायद कई लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि कैसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? अब प्रिंटएफ और स्कैनएफ फंक्शन है, मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपको शायद एक दो एग्जाम्पल बताए होंगे, आप उनको प्रोग्राम बना करके देखिएगा तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी। अब मैं आपको आगे टास्क भी दूंगा तो आप खुद भी परफॉर्म करके देखिएगा, तो आपको बेसिक जो सी में अंडरस्टैंडिंग होगी वो और अच्छी हो जाएगी, राइट? ताकि हम लोग जब मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच पर स्विच करेंगे तो वहां पर हमको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरीके से हमारा जो प्रिंटएफ फंक्शन था वो यूज, हमने प्रिंटएफ और स्कैनएफ दोनों का इस्तेमाल यहाँ पर देख लिया। अब बात करेंगे थोड़ी सी अनफॉर्मेटेड की, कि अनफॉर्मेटेड क्या है, अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस क्या हैं, तो मैं अभी उसकी आपसे थोड़ा सा चर्चा करता हूं। देखिए, इनपुट आउटपुट में हम लोगों ने फॉर्मेटेड पढ़ लिया, ठीक है। अब फॉर्मेटेड के बाद में हमारा नंबर जो है वो है अनफॉर्मेटेड का। तो पहले तो मैं आपको अनफॉर्मेटेड के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये है हमारा अनफॉर्मेटेड, दो पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया है। नंबर वन है हमारा इनपुट, और नंबर टू है हमारा, देखिए ये है इनपुट और नंबर टू है आउटपुट। इनपुट में गेट सी एच, गेट सी एच ई, गेट कैर और गेट एस फंक्शन यहाँ पर, जबकि आउटपुट में पुट सी एच, पुट कैर एंड पुट एस, ये तीनों हम इस्तेमाल करते हैं। अब कहाँ किसका इस्तेमाल होता है वो मैं आपको वन बाई वन बता चलता हूँ। गेट सी एच जो है सिंगल कैरेक्टर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सिंगल कैरेक्टर के लिए, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर के लिए ये गेट सी एच। और गेट सी एच ही भी हमारा जो है वो सिंगल कैरेक्टर लेता है, ठीक है। गेट सी एच, देखिए गेट सी एच जो फंक्शन है ये भी सिंगल कैरेक्टर लेता है, गेट कैर जी भी सिंगल कैरेक्टर लेता है, और गेट सी एच ही भी सिंगल कैरेक्टर लेते हैं। ये तीनों ही गेट सी एच ई, ये तीनों फंक्शन जो है वो कैसे हैं? सिंगल कैरेक्टर को लेते हैं। क्लियर? तो एक ही कैरेक्टर को वो लेते हैं। लेकिन देखिए, गेट सी एच का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? कंसोल पर आउटपुट देखने के लिए, ठीक है। कंसोल विंडो पर, है ना, कंसोल विंडो पर हमको क्या आउटपुट शो किसके लिए होता है? कंसोल विंडो पर आउटपुट शो करवाने के लिए, ठीक है, आउटपुट शो करवाने के लिए, जो कि हम मैक्सिमम हम लोग यूज करते हैं टर्बो सी में, टर्बो सी प्लस प्लस पे इसका इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हम गेट सी एच फंक्शन को लगा देते हैं, और अगर हम नहीं भी लगाते हैं तो हमको उसके लिए अल्ट एफ फाइव से हम उसका आउटपुट देख लेते हैं। गेट सी एच ई जो है, देखिए गेट सी एच और गेट सी एच ई जो है, गेट सी एच ई जो है कंसोल पर आउटपुट भी दिखाता है, साथ में एक कैरेक्टर भी एंटर करवाता है अपने साथ में, ठीक है, उस कैरेक्टर को भी एंटर करवा लेता है। ये तो है हमारे कंसोल वाले फंक्शन, ठीक है, गेट सी एच और गेट सी एच ई, ठीक है, जिसके लिए हम आपको बता दें कि जो हम हेडर फाइल इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल करते हैं हैश इंक्लूड कोनायो डॉट एस। तो इनका इस्तेमाल हम कहां पे करते हैं? गेट सी एच और गेट सी एच ई का कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल इनको बोलते हैं, तो गेट सी एच का हम इस्तेमाल वहां पर करते हैं। क्लियर? अब जो बात आती है गेट केयर और गेट एस फंक्शन, ठीक है, गेट केयर और गेट एस फंक्शन, इनका इस्तेमाल हम करते हैं अपने प्रोग्राम में स्ट्रिंग्स, क्योंकि इनको हम बोलते हैं स्ट्रिंग्स फंक्शंस, ठीक है, स्ट्रिंग्स में अपना इस्तेमाल करते हैं। तो गेट एस का इस्तेमाल हम करते हैं पूरी की पूरी स्ट्रिंग को लेने के लिए, गेट केयर का इस्तेमाल हम करते हैं सिंगल कैरेक्टर को इनपुट कराने के लिए, ठीक है, तो वहां पर सिंगल कैरेक्टर आएगा। ओके, इनका इस्तेमाल मैं जब आपको स्ट्रिंग्स बताऊंगा उस समय आपको मैं इसमें प्रोग्रामिंग वगैरह सब करके आपको बताऊंगा। क्लियर? ठीक उसी तरह से जैसे हमने इनपुट समझा है उसी तरह से मैं आपको आउटपुट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। एक बार मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि आउटपुट जो हमारे फंक्शन है यानी कि पुट एस, ठीक है, पुट सी एच, पुट कैर और पुट एस, तो जैसे गेट एस, गेट सी एच हमारा इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है, वैसे ही पुट सी एच, ठीक है, वैसे ही पुट सी एच और पुट केयर, ठीक है, पुट केयर जहां पर एक एक कैरेक्टर लेते हैं, पुट सी एच भी, गेट सी एच भी, और पुट एस जो फंक्शन है उसको हम स्ट्रिंग में को प्रिंट कराने के लिए करते हैं, यानी स्ट्रिंग एक साथ जो हमने लिखा है स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए करते हैं। क्लियर? जैसे हमने कुछ भी लिखा, मान लो हमें लिखा हेलो,
तो हम इस हेलो को सीधा यहां पर, क्योंकि हेलो क्या है, स्ट्रिंग मतलब होता है, मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स है ना, एक साथ बहुत सारे कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है, उसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं। स्ट्रिंग का मतलब ये भी एक स्ट्रिंग है, जैसे इसमें 1, 2, 3, 4, 5 कैरेक्टर, कितने कैरेक्टर इसमें, 5 कैरेक्टर है। तो 5 कैरेक्टर को एक साथ प्रिंट कराने के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना होगा, पुटेस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा। इन फंक्शन का इस्तेमाल जब मैं आपको स्ट्रिंग पढ़ाऊंगा उस समय आपको बताऊंगा। तो इस तरीके से हमने अभी आपको जो बेसिक जानकारी फंक्शंस की दी है वो होती है कंप्लीट। फंक्शन चैप्टर जब हम पढ़ेंगे तब आपको यूजर डिफाइंड फंक्शंस के बारे में भी आपके साथ में डिस्कस करेंगे कि क्या है यूजर डिफाइंड फंक्शंस, ठीक है। सो यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम जब हम फंक्शन चैप्टर को पढ़ेंगे तब आपको बताएंगे। हमने अभी आपके साथ में स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस को डिस्कस किया है, उसमें से भी मैंने आपसे दो तरह के फंक्शंस को डिस्कस किया है, एक तो फॉर्मेटेड फंक्शंस, फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन, और दूसरा अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। फॉर्मेटेड में मैंने आपसे प्रिंटेप और स्कैन बहुत डीपली डिस्कस किया है, अनफॉर्मेटेड में हमने आपको अभी बेसिक जानकारी दी है, क्योंकि कुछ जो फंक्शंस हैं वो स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं, तो जब हम स्ट्रिंग चैप्टर पढ़ाएंगे आपको उस समय हम आपके साथ में ये बातें डिस्कस करेंगे। आई होप कि अब आपको मेरी ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो यहां से हमारा जो बेसिक प्रोग्रामिंग मॉड्यूल है वो फिनिश होता है, हमने बहुत सारी बेसिक सी बातें यहाँ पर आपके साथ में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपके साथ में कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस पढ़ाऊंगा और कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस हमारा जो है वहां से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग अप्रोच शुरू होगा, क्लियर। तो आई होप कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। थैंक यू।